क्या है सबका सलाम नमस्ते हैं आप मैं हूँ को जरा रहे फेसबुक पेज पे गाइस अगर आप आए हो तो प्लीज जल्दी जल्दी शेयर करो क्योंकि यू नो शेयरिंग इज केयरिंग सो मेक श्योर यू आर शेयरिंग शेयरिंग सो लॉन्ग इतने लंबे हो गए बाल फिर से कटवाने सो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों से सबसे करनी है है जो ये इवेंट हुआ है फ्रांस में जहां पर एक टीचर को एक मुसलमान बंदा था जिसने जाकर उसका सर काट दिया यानी सर से जुदा जैसे कहते हैं ना वो कर दिया हम लोग अभी 2020 में आ गए हैं लाइक इतने आगे आकर अगर किसी का कत्ल किसी कार्टून के उस पर हो रहा है और एक हिस्ट्री टीचर का वो फ्रांस में मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी जिंदगी में कि ऐसा कुछ होगा जब हम कैनेडा आए थे तो द प्रॉब्लम इज क्या प्रॉब्लम आपको क्या लग रही है क्या है मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम है क्या जिस बंदे ने जाकर ये चीज की है अब आप इंटरनेट को उठा के देख लो तो उसकी सपोर्ट में कितने लोग हैं जो बंदा जिसने कत्ल किया जिसने सिर्फ शूट कर दो ना बंदे को चलो वो मर जाता है फॉरन इंस्टेंटली मर जाता है ठीक है ना गोली अगर सही जगह पे लगी हो तो फॉरन मर जाता है मगर किसी का गला काटना और ऐसा काटना कि उसका गला जो है आप सर तन से जुदा कर दो उसमें कितनी तकलीफ होती है कितनी तकलीफ होती है आई मीन कोई जल्लाद बंदा होगा ये हिम्मत चाहिए होती है बड़े बड़े सीरियल किलर्स हो गए हैं जिन पे रिसर्च की है वो भी ऐसे नहीं करते हैं जिस तरह के कर दिया और ना ये सीरियल किलर ना इसको कोई यू नो you know, क्या प्रॉब्लम थी इसको रिलीजन की प्रॉब्लम रिलीजन आपको ऐसा अंधा कर देता है ऐसा पागल कर देता है चूतिया कर देता है कि आप जाकर किसी का सर काट दो उस टीचर का जिसकी जॉब कि आपको हिस्ट्री समझाए उसका टॉपिक यही था कि वो हिस्ट्री पढ़ा रहा था और उसने जो कार्टून्स दिखाए थे वो इस वजह से दिखाए थे क्योंकि फ्रांस में फ्रीडम ऑफ स्पीच चलती है पाकिस्तान सऊदी अरब दूसरे मुल्कों की तरह ना वहां पर जबान पे ताला डाल के नहीं रख दिया जाता है वेस्टर्न <coughs> कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो ऐसे गांडू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव नहीं करते हैं तो तुम लोग जाकर कनाडा जर्मनी यूरोप यूएस जाके बैठे क्यों बैठे क्यों वहां जाकर हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच में तुम लोग बिलीव नहीं करते नहीं सिर्फ जब बिलीव करते हैं जब इनको हिंदुओं का मजाक उड़ाना हो या क्रिश्चियंस का मजाक उड़ाना हो या किसी और रिलीजन का मजाक उड़ाना हो तो ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ खड़े हो जाते हैं कैनेडा में अरे इमिग्रेशन आपका निकालोगे तुम लोग तो खुद यहाँ बैठे हो यहाँ तो पहले इंडिजिनियस पीपल रहते थे तुम लोग तो खुद किसी के उसमें बैठे हो? ओ, दो. बैठे बैठे हो ओ हैं हैं जो भी बैठे हैं इस तरीके से पीछे जाओ तो तुम लोगों की सारी गल्फ कंट्रीज ले लेनी चाहिए लोगों को जहां पर आप लोगों ने कब्जा किया था हजारों साल पहले अगर आपने पास में ही रहना है ना तो तुम पास में जाओगे ना तो कुछ नहीं बचेगा तुम लोगों के पास क्योंकि आप लोगों ने जितनी भी जगह पे जाके आपकी जो पूरी गल्फ कहते हो ना आपका वो सारा आपने चुराया हुआ है दूसरों से जंगे लड़ लड़ के कब्जे किए थे वहां पर आपने तो अब आप आ जाते हो पे कि नहीं आपने भी तो लिया तो हम आ गए तो क्या वो मेरा कहना ये है बात हो गई चलो हो गई मैं कितने लोगों को यहाँ जानती हूँ जो मेरे सागा में रहते हैं कितने मुसलमानों को मैं जानती हूँ कितने लोगों ने कंडेम की इस चीज को हाँ कितने लोगों ने कंडेम किया इसको किसी ने नहीं किया कोई पॉलिटिशियंस आगे नहीं आया है कोई भी प्रोमिनेंट जो पॉलिटिशियंस हो या एमपी हो या जो भी हो यहां का जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या अरबिक कम्युनिटी या लेबनीज कम्युनिटी कोई भी कम्युनिटी को करता हो उसने आकर इसको कंडेम किया किसी ने नहीं करा क्योंकि पॉलिटिशियंस को पता है इन्होंने कंडेम किया तो ये तो हमारे ही गर्दन आके काट देंगे डर के तो यही बैठे ना सब सबको डरा के बिठा दिया है कि आपने हमारी रिलीजन पे ऊ भी किया तो हमने तो आके आपको मार देना है क्योंकि हम जहालत और हम रह रहे हैं चौदह सौ सदी में हम ट्वेंटी ट्वेंटी में नहीं रह रहे हम रहते हैं किसी गार में ठीक है ना उस गारे में हमको सिखाया जाता है बस से जुड़ा कर दो और कुछ नहीं है साइंस गई भाड़ में टेक्नोलॉजी गई भाड़ में सब गया भाड़ में सिर्फ हमारी रिलीजन है पूरी दुनिया पे हमने करना है कब्जा और हम अपनी रिलीजन को पूरी दुनिया में चलाएंगे चाहे उस उसमें कोई बिलीव करता हो या ना करता हो आप लोग अपने इस्लाम पे बिलीव करते हैं ना तो आप लोग हिंदुओं के खुदा का मजाक उड़ाते आप उस पे बिलीव नहीं करते तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सेम चीज जो है वो दूसरे रिलीजन में भी होती है अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन कुछ आपकी रिलीजन पे बोल रहे हैं तो उसका तो बिलीव ही नहीं है ना उसपे उसका बिलीव ही नहीं है उसपे मगर आज यहाँ के पॉलिटिशियंस अब अगर हम सिनेरियो चेंज करते चलो सिनेरियो ही चेंज करते हैं कल न्यूज आती है आएगी के एक गोरा ठीक है ना क्रिश्चियन गोरे ने जाके एक मुसलमान आदमी का सर कलम कर दिया हाय हाय क्या न्यूज बनेगी ऊपर से नीचे से हर जगह वाइट ने देखो इस्लाम ने एक मुसलमान का सर कतल कलम कर दिया पूरी दुनिया को ये सर पे उठा लेंगे पूरी दुनिया को सर पे उठा लेंगे मगर जब इनमें से जाके कोई कुछ करता है तो कुछ नहीं बोलेंगे चुप सांप चुप चुप उसका मतलब क्या ये सब बैठ के उसे सपोर्ट करते हैं क्योंकि अगर इन्होंने उस विक्टिम को आई मीन सॉरी जो जिस बंदे ने कत्ल किया है सस्पेक्ट जो था अगर उसको ये लोग गलत कह देंगे तो उसका क्या मतलब होगा क्या मतलब होगा उसका यानी कि फिर वो कहेंगे कि नहीं या नहीं, नहीं, नहीं आप फिर पिक्चर्स दिखाओ दिखाओ पिक्चर्स मोहम्मद की पिक्चर्स दिखाओ वो बंदा टीच कर रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि पल्ले नहीं पड़नी इन लोगों की इंशाल्लाह एक दिन पूरी दुनिया में शाम का जिहाद होगा देख लो ना ये 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 ये, ये राजा जी ऐसे लोग ये इनका है ये ये ही लोग हैं टेररिस्ट इन लोगों को क्यों नहीं रिपोर्ट करते हो मेरे तो समझ में नहीं आता है सामने है लाइक यू हैव देम इन फ्रंट ऑफ यू आपके पास पड़े हुए ये और ये चूतिया पा है इन पुलिस वालों का और गवर्नमेंट का यहाँ की वेस्टर्न गवर्नमेंट और जो पुलिस वाले हैं ना बिल्कुल चूतिया हो गए हैं उन लोगों को पैसे खिला खिला के ना उनको दिमाग खराब कर दिया उनके सामने ऐसे जिहादी जो ये ये बैठा है ना ऐसे यहाँ पर ऐसे जिहादी हैं जो यहाँ पे लिख रहे होते हैं और यही लोग उठते हैं और जाकर दूसरों के सर कलम कर रहे होते हैं तो इससे पहले कि ये सरकलम करें इनको पकड़ो ना चूतियाओं को इनकी गांड में दो एक डंडा और फिर इनको करो सीधा आ, चलो आ गए मुजेर साहब का एंड ब्यूटिटली बट फेसबुक हाँ फेसबुक अगर मैं बता रही हूं ना अगर ये अगर किसी मुसलमान का सर कलम हुआ होता है ना तो आज न्यूज पेपर क्या आज इतनी बड़ी न्यूज चल रही होती इतनी न्यूज चल रही होती कोई हद नहीं होती सुन सुन के दिमाग खराब हो जाना था हमारा कैनेडा में एक बंदे को जो मेंटली स्टेबल नहीं था उसको गलती से उसको शूट कर दिया था यहाँ पर एजाज नाम का एक बंदा था मिसेस सागर में पूरी कम्युनिटी आ गई थी पूरी कम्युनिटी आ गई थी सड़कों पर रोड ब्लॉक कर दिए थे इन लोगों ने पाकिस्तान अपना यानी बाप का जागीर समझ के आ गए थे सारे सड़कों पर एजाज जस्टिस फॉर एजाज जस्टिस जस्टिस अब कहा है हालांकि वो बंदा नाइफ लेकर पुलिस वालों की तरफ आ रहा था पुलिस वालों की तरफ उनको मारने आ रहा था एक बात तो यह कि जब ये मेंटल केसेस होते हैं ना जो मेंटली uh, स्टेबल नहीं होते लोग उन लोगों को देखने के लिए अगर फैमिली पुलिस को फोन करें ना पुलिस वालों को नहीं जाना चाहिए पुलिस शुड नॉट बी दी हैंडलिंग दीज केसेस उसके लिए आप एक अदर डिपार्टमेंट बनाओ एक दूसरा डिपार्टमेंट बनाओ जो जाकर ये मेंटली जो लोग होते हैं ना उनको देखें और अगर नहीं है ना तो फैमिली को कहो फैमिली डील करेगी और फैमिली वालों में से कोई मत्ता है ना तो फिर एटलीस्ट ये तो है ना कि पुलिस के ऊपर नहीं आएंगे ये बोलेंगे कि देखो पुलिस वालों ने हमारा बंदा you know? सच्चाई से तुम लोगों को एलर्जी है इस वजह से आ गए सारे यहां मैं तो कहती हूँ मेरी ब्रॉडकास्ट पे आके यहां से पकड़ो यहां से गारंटी जहादी मिलेंगे आप लोगों को गारंटी ठप्पा मार की मुसलम कंडेम ऑफकोर्स या तो अब ये है ना देखो अब जो मिसेस सागा में मुसलमान बैठे हैं ना जिन्होंने कंडेम नहीं किया आज मीटिंग हो रही थी इन लोगों की पाकिस्तानी कम्युनिटी की मीटिंग हो रही मैं समझी कि वो शायद इस चीज पे बात करूँ नहीं वो तो पॉलिटिक्स में घुस नहीं किया है भैया किस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर घुस के कैनेडा की मां चो दे और किस तरीके से यहाँ पे शरिया लॉ लाए और किस तरीके से यहाँ पे ब्रदरहुड जो है ना मुस्लिम ब्रदरहुड उसको लेकर आए नहीं ये बातें हो रही थी मजा है किसी ने भी एक ने जो बोला हो कि हाय भाई हम इसको कंडेम करते हैं नो नेवर नेवर कभी नहीं करेंगे कैन यू स्पीक अबाउट इन द नेम ऑफ फ्रीडम तुम लोगों के साथ कौन सा हुआ है रहमान डोंट कंपेयर टू होलोकॉस कितने ज्यूज को देखा है आपने जो जाके सर कलम कर रहे हैं कितने ज्यूज को देखा है आपने जो जाके बम लगा के अपने आप को ब्लोअप कर रहे हैं कितने ज्यूज को देखा है उनको क्यों बोलेंगे हम क्यों बोलेंगे इस चीज को जो चीज उनके साथ, तुम साथ हुई है? तुम लोगों के साथ कौन तो सी है ना उसके तुम तुम लोग हो, तुम लोग बोलते नहीं हो जहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है ना वहां तुम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी गांड पे सिलाई लगा दी है तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि वहां से बोला ना तो भैया चाइना जो है तुम्हारी गांड मार देगा ठीक है ना चाइना में हो रहा है तुम लोगों के साथ मुसलमानों के साथ असल में टॉर्चर कश्मीर में नहीं हो रहा है चाइना के बारे में बोलो ना बोलो बोल के दिखाओ कोई न्यूज़पेपर पाकिस्तान में जो चाइना पे लिख दे कोई भी मुसलमान कंट्री इस वक्त चाइनीज मुसलमानों के साथ जो हाल हो रहा है ना तुम लोगों की हिपोक्रेसी सबसे ज्यादा वहीं दिखती है क्योंकि तुम लोग वैसे तो चीखते रहते हो कश्मीर में मुसलमानों के साथ ये हो रहा हमारे साथ मुसलमान वहां मुसलमानों के साथ ये हो रहा बहन चो जहां हो रहा है वहां तो बोलते नहीं हो क्योंकि वहां तुम लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाता है वहां से पैसे आ रहे होते हैं जहां से पैसे आ रहे होते हैं वहां पे अपनी गांड निकाल के दे देते हैं ये लो ये लो पेश कर देते हैं हम आ जाओ ठोक लो सीरियसली जहां पर है ना वहां बोलो हर जगह जहां एक तो पहली बात ये हर जगह देखो तो मुसलमान परेशान है चाहे वो वेस्टर्न में हो इंडिया में हो यूरोप में हो हर जगह मुसलमान ही परेशान है भैया बाकी सारे लोग तो सही से रह रहे पर सिर्फ मुसलमानों को ही प्रॉब्लम है हर जगह क्यों क्यों मुझे बताओ ना अंडरस्टैंड चाइना बहुत बुरा होने वहां कोई नहीं बोलता है ये क्यों नहीं बोल क्यों नहीं बोलेंगे इस वजह से बिस्तर पे लेटे तो हुए इस बात पे क्योंकि मैं देख रही हूँ ये हिपोक्रेसी और इस तरीके से यार मेरी बच्ची है वो ऐसे माहौल में बड़ी होगी उसको मैं ऐसे माहौल में बड़ा करूंगी कभी सुनने में भी नहीं आता था कि एक बंदे का सर से जुदा कर दिया भैया खुदा का खौफ करो 2020 हो गया लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है पूरी दुनिया में तुम लोग अपना नाम जो है ना जलील करवा रहे हो क्या लग रहा है आप लोगों को पूरी दुनिया बैठ के ये कह रही है हाई देखो कितना अच्छा काम किया है अब क्या होने वाला है सुनो फ्रांस तो वैसे ही जब फ्रांस में लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे ना क्योंकि जर्मनी यूरोप फ्रांस स्वीडन इन जगहों की अच्छी तरीके से माठोकाई कर दी है लवर ने लवर कंट्रीज को तबाह बर्बाद कर दिया है अभी जो रेफ्यूजीज लेकर आए हैं ना ये लोग जो जो थी उसने जर्मनी का हाल किया है ना पिछले पांच छह सालों में जो धवा धबा धब भरे हैं भरे हैं भरे हैं और देख के नहीं भरे बस भर लिए सारे के सारे तो अब उसका आप देखोगे असर क्या होगा तो क्योंकि फ्रांस के लोग गोरे लोग जो दूसरे लोग हैं ना वो तंग आ गए वो देखो उन लोगों ने इन लोगों ने पहले बहुत अच्छा किया रेफ्यूजीज हो या इमिग्रेंट्स हो उन लोगों को बहुत इज्जत से रखा तुम लोगों को राइट दिए तुम लोगों को हर चीज दी हाँ तुम मस्जिद बनाओ तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ सब कुछ दिया मगर आप लोगों ने क्या किया आप लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया ठीक है ना अब क्या होगा अब वो स्ट्रिंग टाइट कर रहे क्योंकि मखरौन जो कि लेफ्ट होता था लिबरल होता था उसको पता है कि जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो नंबर टू जो अपोजिशन पार्टी आई थी वो थी फार लेफ्ट जिसे कहते हैं ना नाटसी पार्टी वो बिल्कुल ही फार लेफ्ट की राइट पार्टी है रियली वाइट सुप्राइम से कहते हैं तो अब जो इलेक्शन होंगे उसमें ज्यादा जो तो चांसेस ये हैं कि वो फार लेफ्ट पार्टी आएगी क्योंकि लोग थक गए हैं ये लेफ्ट की सुन सुन के लिबरल्स की सुन सुनकर सो so, अब अगर वो वाइट पार्टी आ गई ना तो भैया जी आप लोग तो पैक कर लो अपने बैग क्योंकि उसने आते साथ ही तुम लोगों की गांड में लात मार के ना निकालना है तुम लोगों को वहां से फिर क्या करोगे क्योंकि मकर ने भी अब देखो मकर ने भी चाइना की तरह वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी सारे इमाम इमाम्स को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ठीक है ना बच्चे को आप तीन साल से ज्यादा ऊपर आप घर में कुरान नहीं पढ़ा सकते हो ये नहीं होगा घर में टीचर आएगा और आपको कुरान पढ़ाएगा ना ना ना, 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 ना। जितनी आ, मस्जिदों में चैरिटीज आती हैं जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबका हिसाब लिया जाएगा कि कहाँ से आ रहे टेररिज्म तो नहीं सपोर्ट कर रहे तो ये सारे अब जो है ना यहाँ पे शुरू हो गया है फ्रांस में अब आप देखते जाओ आज के दिन है बात मेरी लिख लो कि आज मालीज ने ये बात की थी कि फ्यूचर में सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने इस्लाम पर पाबंदी लगा देनी है इन द फ्यूचर चाहे मैं जिंदा हूं उसका क्या ना हूं मगर ये होने वाला है इन द फ्यूचर अनलेस कि आप लोग कुछ सुधर जाओ आई डोंट थिंक सो डों सलमान जफर मेरे टॉप फैन ओके okay, तंग कर दो अल्लाह की जमीन मुसलमानों के लिए जब मुसलमान दोबारा राज करेंगे दुनिया पे तो देख लेंगे सबको क्या देख लोगे सलमान जफर यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है यही तुम लोगों की प्रॉब्लम है देख लेंगे तुम लोगों के पास एक मुल्क है ना वहां बैठो आराम से बैठो तुम लोगों के पास पूरा गल्फ है मुसलमान मुल्क भरे पड़े वहां पर बारह से ज्यादा पता नहीं कितने मुसलमान मुल्क वहां बैठो किसने मना किया है तुम लोगों को कौन तंग कर रहा है तुम लोगों के मुसलमान मुल्कों में तुमको तुम लोगों का ये जो है ना दूसरे मुल्कों पे कब्जा करना जैसे कि आप बोल रहे हो ये चीज जो है ना क्या आपको क्या लगता है दूसरे लोग बैठे रहेंगे वो तो कहेंगे हाँ हमने चूड़ियां पहनी में आ जाओ आ जाओ हमारी गांव ठोक लो वो नहीं लड़ाई करेंगे आपको क्या पता है जो हुई थी

अर्तुगुल नहीं है क्या नाम है उसका एम, यार उसका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है क्या है उसका नाम एज मच एज माई फ्रेंड इज to फ्रेंड quickly. आई डी शुड बी kick out. यू आई डी कर दे रिपोर्ट हामिद भाई सोपोर बहन चौथ गांडू कर दे रिपोर्ट क्या हो जाएगा रिपोर्ट करने से मैं दूसरी बना लूंगी कर दे रिपोर्ट तेरी गांड में इतनी आग लगी है ना इधर ला मैं तेरे गांड में ना थोड़ा सा लगा लगा, लगा जा रिपोर्ट रिपोर्ट करो तेरी मां, जा रिपोर्ट कर मैं कहती हूँ गलत बात कर रही हो नहीं नहीं करो ना तुम लोगों के धमकियों से डरते हैं लोग तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों की धमकियां नहीं चल रही है आजकल <laughs> हारिस भी कह है तुम लोगों की धमकियों में अब नहीं है तुम लोग सर भी कलम कर रहे हो ना तो तुम देखना अब लोग यही कह रहे हैं फ्रांस में तो क्या हर स्कूल में हर स्कूल में वो कार्टून दिखाना चाहिए हर स्कूल में चाहिए जो असली इस्लाम है हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए वो कार्टून हर जगह दिखाओ फ्रांस के तो मैं कहती हूं कि आज के न्यूज़पेपर में वो कार्टून फ्रंट पेज पे आना चाहिए डोंट गिव अप ऐसे बुलिस के आगे आप गिव अप करोगे तो ये आपको और गिव अप करने के लिए कहेंगे इन लोगों के हाथ इसी तरह से काटने पड़ेंगे यू हैव टू स्टैंड अप टू दीज बुलिस ये बुली कर करके हर जगह हर वक्त हम विक्टम हम विक्टम हम विक्टम हर किसी को मारे जाए हर किसी पे बॉम्ब उड़ाए जाए हर कुछ करे जाए और हम लोग यहां बैठ के वो इनसे डरते रहेंगे कोई नहीं डरता तुम लोगों से अब आप लोगों की जो धकोसलेबाजी थी ना डराने वाली टैक्टिक्स वो खत्म हो गई है कोई नहीं डरता इतने सारे एक्स मुस्लिम आ गए कर, कर कर क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा मार दोगे ना तो क्या हुआ एक को मारोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा हाँ एक दफा कार्टून वाले को मार दिया क्या हुआ दूसरे कार्टून बन गए दूसरे को मारोगे क्या होगा तीसरे बनेंगे तीसरे को मारोगे या चौथे बनेंगे बहन चौथा चले जाके गूगल करो

और जब ऐसी आती है तो है इन सब सूंग सबको सब सूंग मतलब कि ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं है कर तो मुसलमानों में जाओ वहां जाओ वहां रहो तुम लोगों के पास है ना एक मुल्क है ना एक मुल्क वहां रहो हम लोगों को आराम से यहां काफिरों के मुल्क में रहने दो ठीक है ना जो जहनुमी मुल्क है तुम लोग जहनुमी मुल्कों में क्या कर रहे हो तुम लोगों क्या करना देना यहाँ पर हाँ, जहनुमी मुल्क में काफिरों के वहां पर हराम का कमा कर खुद खा रहे हो और फिर यहां पर आके बकवास भी करते हो भैया तुम लोगों के हलाल मुल्क इतने अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं वहां जाके रहो ना सऊदी अरब में जाके रहो देखो सिटीजनशिप देते हैं कि नहीं ओ आई फॉरगॉट गॉड सऊदी अरब पेशाब करता है पाकिस्तानियों के मुंह पे ठीक है ना मिडिल ईस्ट में पेशाब करते हैं वो किसी को सिटीजनशिप नहीं देते हैं क्यों नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप लोग क्या करोगे उनको पता है सऊदी अरब मिडलीस कतर इन लोगों को पता है बाहर के किसी और बंदे को ये पॉलिटिक्स में आने नहीं देते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर बाहर का को कोई बंदा आ गया ना हमारी पॉलिटिक्स में तो हमारे रूल चेंज करेगा हमारी सिस्टम चेंज करेगा जैसे यहां हो रहा है क्योंकि आगे जुतियां हैं यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे सब कुछ कर लेते हैं राइट द थिंग इज सऊदिया में तो है ही नहीं ह्यूमन राइट्स कतर में तो है ही नहीं ह्यूमन राइट्स इनके मुल्कों में जो जो चीजें ये नहीं देते दूसरों को वही वही चीजें आके डिमांड करके सीना खोल के सीने पर चढ़ के कहते हैं भैं दे मुझको मेरा ह्यूमन राइट्स है पाकिस्तान ह्यूमन राइट काउंसिल में बैठा हुआ है अभी कहा कौन सा ह्यूमन राइट तुम लोगों को पता भी है कि ह्यूमन राइट होता क्या है तुम लोगों को पता है कि Oh my god. Alright, guys, I gotta go. Thank you so much for everyone that was here. Okay? I love you all, the ones that support me. Are okay, bye, guys. Take care.